हाय एवरीवन, कुक विद अप्पू में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखें। मैं बताने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में लाइक और शेयर भी करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। आप चाहे तो टोन मिल्क ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क में ज़्यादा अच्छा बनता है गुलाब जामुन। मैंने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया है इसे। गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए, इसमें उबाला आ गया है अच्छे से। अब थोड़ा सा कम करेंगे गैस को, लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है इसको। बेसिकली हमें इसका खोया बनाना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। हमें और थोड़ा सा पकाना है इसको, अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा ये। अब ये रेडी हो गया, हमें और नहीं पकाना है। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 कप शुगर ले रही हूँ। मेरा 250 ml का कप है। यहाँ पे हम जितना शुगर लेंगे उतना ही पानी लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे घुलने तक। शुगर घुलने के बाद हम बस 2-3 मिनट और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच रोज वाटर। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। रोज वाटर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा सैफ्रन डालेंगे, आप चाहे तो इलायची डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पक गया है चाशनी। हमें इसे चेक कर लेंगे, हमें 1-2 तार चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चिपचिपा चाशनी चाहिए। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होने से अच्छे से सोक नहीं करेगा गुलाब जामुन, इसलिए हमें पतला सा चाशनी चाहिए, बस जैसे ऑयल जैसा हाथ में लगना चाहिए। फिर में हम 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे कि बाद में चाशनी जमे नहीं। पे हमारा खोया ठंडा हो गया है, बस थोड़ा सा गुनगुना है। इसी स्टेज में हमें बाकी के सामान इसमें डाल देना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेबल करके 5 टीस्पून गेहूं का आटा, नॉर्मल रोटी वाला आटा। आप चाहे तो इसके जगह मैदा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए मैं आटा डाल रही हूँ इसमें। अगर आप घर की चाय वाली चम्मच से ले रहे हैं तो 4 चम्मच भर के ले, इससे ज़्यादा ना ले, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। और अच्छे से मिला ले। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे। इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो गुलाब जामुन फटने लगते हैं तेल में जाने के बाद। यहाँ पे मैंने 5 काजू को कूट के ले लिया है, उसमें 1 पिंच इलायची पाउडर डाला हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा डो मिला के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून देसी घी हाथ में लेके हम डो को अच्छे से मसल लेंगे और एक चिकना डो बनाएंगे और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद एक पोर्शन हाथ में लेके इस तरह से उस स्टफिंग को अंदर डालेंगे और अच्छे से इसका गोला बना लेंगे। ये देखिए इस तरह, कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए इसमें। यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें 1 गुलाब जामुन डालेंगे। बहुत ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए। देखिए डालने के बाद 1-2 सेकेंड के बाद इसमें बबल आ रहा है, इसका मतलब ये सही गरम हुआ है। अगर तेल ज़्यादा गरम हो जाएंगे तो उसमें ऊपर से ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा, अंदर से पक्का नहीं होगा गुलाब जामुन। ऐसे सिचुएशन में हम थोड़ा सा ठंडा तेल डाल के तेल की टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको और थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप थोड़ा और पका लें। मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। एक बोल में हम इसे निकाल लेंगे। चाशनी को अच्छे से गर्म करके इस पर डालना है। ठंडा चाशनी डालेंगे, अच्छे से सोक नहीं करेगा। अच्छे से मिला लेंगे और आधा घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। ये बहुत जल्दी सोक कर लेता है। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कैसा बना है। ये देखिए प्लेटिंग करते हैं इसके, देखिए कितने रसीले लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। मैं एक पीस काट के दिखाती हूँ कैसा बना है अंदर से। देखिए अंदर से ड्राई फ्रूट की स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कोई गुठलियाँ नहीं अंदर। देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है।
ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक यू।